हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग पता, आज हम लोग फील्ड पे आए हुए हैं। तो आज हम लोग इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, जो किस तरीके से फसलें बोई जाती हैं, आज हम लोग ट्रेंच विधि देखेंगे। ट्रेंच विधि में होता क्या है, जो हम लोग गन्ने को बोते हैं तो एक्चुअल में जो हमारी ट्रेंच विधि में होता है कि दो गन्ने को पास में बोते हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है। फिर बीच में हम एक क्यारी के लिए जगह छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसे गन्ने का नाम होता है इसका, जो ट्रेंच विधि से हम लोगों ने गन्ने को बोया, सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है इसका वर्टिकल नेम होता है। जो हम लोगों ने यहाँ पे जो सरसों बोई है, इसको हिंदी में हम लाही भी कहते हैं, पीली लाही भी होता है, इसको ब्रेसिका स्पेसिस होती है। तो यहाँ पे खरपतवार तो बहुत ज़्यादा हाई हैं, जो धूप घास बोई हुई है खरपतवार ज़्यादा हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो हम लोगों ने बोया है गन्ने की ट्रेंच विधि है यहाँ पे, इसमें क्या होता है, जब हमारे पास खेती कम होती है तो हम लोग इस तरीके से दो फसलें एक साथ बो लेते हैं। जैसे एक फसल अगर हमारी किसी डिजीज की वजह से अगर ख़त्म हो गई तो उसमें क्या होगा, रखे हमें कोई नुकसान नहीं होगा रखे। और इसमें हमने टेंच भी बोई थी सरसों की, जो हम लोग फसल बोई है जी, इसलिए हम लोगों ने बोई है क्योंकि हम गन्ने की जितना हमारा खेत है उतने से हम प्रोडक्शन प्राप्त कर लेंगे, रखे प्रोडक्शन में उतना ही प्राप्त होगा, उससे ज़्यादा। लेकिन हम उसी बीज के अंतराल में जो हमारी जो रो की बीज की दूरी में जो गैपिंग सिस्टम, जमीन खाली पड़ी रह जाती, उसमें हमने क्या किया, सरसों बो सकते थे, आलू बो सकते थे, कोई भी कम अंतराल की, जैसे मान लो ये वन ईयर की फसल होती गेहूँ की, वो तो 6 मंथ की फसल को हम बीच में बो देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो बीच में इनकम भी मुझे प्राप्त होती रहती है, और फसल में जो से फसली जो इससे क्या हो जाता है कि अगर कोई सेकेंड ऑफिस में मतलब गन्ने में लगने वाला अगर कोई डिसीज है तो वो उसमें ब्रेसिका में नहीं लगता, और ब्रेसिका में लगने वाला डिजीज उसमें गन्ने में नहीं लगता। तो आपस में क्या होता रहता है कि इन चेंज होता रहता है, तो इससे कीटों का और रोगों का आपस में, क्योंकि उनका क्या इन्वायरमेंट में इफेक्ट रह नहीं पाते, इन्वायरमेंट में रह नहीं पाते तो आपस में क्या होता रहता है उनका, तो वो जीवित नहीं रहता, जिससे उनके विपरीत कंडीशन आ जाती है, इससे हमारी फसल पर भी प्रोडक्शन प्राप्त होता है। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत, जैसे रोगिंग करना, खरपतवारों को निकालना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इसमें, जैसे हाँ डिजीज खरपतवार बहुत सारे हैं, जैसे निराई की गई है यहाँ पे धूप घास की। धूप घास एक ऐसी होती है, जब तक हम इसको खेत को पूरा छोड़ेंगे नहीं खाली, और उसको छोड़ने के बाद हाथों से एक एक निकालने के बाद ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल क्लीन तो करना बहुत इम्पॉसिबल होता रहा कि हाँ, जैसा कि हमने जैसे टंच में इसमें बो दिया, इसमें जो बोते समय में ध्यान रखना पड़ता है, दो क्यारियाँ बने रहती है, उस नालियों के अंदर बोते रहते हैं। फिर इसकी जो हमारी निराई गुड़े खुरपी के द्वारा की जाती है, क्योंकि बड़े यंत्र के द्वारा नहीं। इसमें एक चीज़ है, जब हमारी सरसों या गेहूँ कोई भी डीजी फसल होगी जो हमारी क्लीन कर दी जाएगी, उसके बाद हम इसको कल्टीवेटर की तरह जोत कर और इसको फिर से हमारा क्लीन हो जाएगा खेत। उसमें धनिया हो गई, छोटी धनिया हो गई, जाके गोभी हो गई, इन फसलों को हम साथ में लगा सकते, जिससे पैदावार हमें अधिक प्रोडक्शन पर, खेत हमारे पास उतना होगा रखे, बस मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी रखे। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।